पुतलू बेटा कम हियर कम हियर, ये खा लो थोड़ी सी। खा लो, स्पून नहीं चावल खाना है, स्पून नहीं चावल खाना है। गुड बॉय, गलम गलम खाना अच्छा लग रहा है बेटा। खाना खा के डू डू कर देना। हाँ ठंडी लगी है, बाहर ज्यादा नहीं घूमना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं दोपहर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला। क्या होता है ना आजकल, मतलब 2-3 दिन हो रहा है ऐसे एक्सट्रीमली ठंडा बढ़ गया है, तो ऐसे मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ मैं। उठ तो जाती हूँ बट ऐसे काम करने के लिए मन नहीं करता है, तो थोड़ी लेट में उठती हूँ और घर का काम वगैरह करती हूँ। तो ऐसे मतलब देरी हुआ तो झटपट से मतलब घर का काम भी निपटाना पड़ता है ना। रात का बर्तन वगैरह रहता है उसको वॉश करना करता है, घर का झाड़ू वगैरह बिस्तर ठीक करना रहता है, फिर हस्बैंड के लिए मतलब ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है ना। तो रोटी सब्जी बनाने से तो टाइम लगता है, आटा गूंथना पड़ता है, फिर सब्जी काटो, सब्जी पकाओ, तो ऐसे तो आधा घंटा करीब लग जाता है उसमें। तो ऐसे करके घर का काम करते ही टाइम नहीं मिला जाता, तो सोच ली मैं आज घर का काम कर लेती हूँ और बाद में ब्लॉग शुरू करूँगी बोल के। और अभी भी काम है, मैं छत पर आ गई हूँ अभी बाबू के साथ, क्योंकि उसको धूप दिखाना था ना। 2-3 दिन से ऐसे धूप नहीं आ रहा था, तो उसको घर के अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, उसको तो धूप दिखाना ज़रूरी है ना। इसीलिए घर का सारा काम खत्म करके अभी हम दोनों आ गए छत के ऊपर। फिलहाल हस्बैंड तो नहीं है, काम पे गए हैं तो लॉक करके ही आई हूँ। तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया है वॉश करने के लिए, कपड़ा भी वॉश करना था। मॉर्निंग में तो देरी में उठी, तो मॉर्निंग में नहाते टाइम में वॉश कर नहीं पाई आज, नहीं तो नहाते टाइम ही वॉश कर लेती हूँ। नहा के एक ही बार पानी वाला काम जो है मेरा ख़त्म हो जाता है, तो आज देरी में उठी तो वॉश करना भी ज़रूरी रहता है, फिर कल तक तो और भी ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। इसीलिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया हूँ, वो वॉश हो रहा है। तो हम लोग करीब आधा घंटा 1 घंटा करीब इधर में बैठेंगे और जाएंगे। और अभी तो लॉन्च की तैयारी, मतलब लॉन्च आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मैंने तो फास्टिंग रखा हुआ है, मैं सोमवार व्रत, तो आज मैं तो नहीं खाऊंगी। इसलिए हस्बैंड के लिए रोटी सब्जी बना दी थी, वो खा कर चले गए हैं, और एक्स्ट्रा रोटी भी है। और अगर आएंगे दोपहर में तो उनके लिए गर्म करके दे दूँगी, तो आज मतलब लॉन्च बनानी नहीं पड़ेगी मुझे। शाम को एक ही बार कुछ नाश्ता वगैरह बना दूँगी, हैवी नाश्ता। तो ले रहा है इसलिए उसको अच्छा लग रहा है ना, क्या तो चुपचाप बैठा हुआ है, नहीं तो बाहर आने से बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। वो खुली जगह में आ जाने से ना उसको फ्रीडम आ जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। तो फिलहाल तो अभी चुपचाप बैठा हुआ है, 2-3 दिन हुआ पूरा धूप ही नहीं आ रहा था ना, तो उसको अच्छा नहीं लगा था, तो अभी अच्छा लगा है, उसको चुपचाप बैठा हुआ है। देखिए वो कैसे बैठा हुआ है। गुल्लू बेटा, ए गुल्लू बेटा, कुतलू बेटा, इधर देखो, मम्मी इधर है, बाबू मम्मी इधर है, लाडो बेटा इधर देखो, बाबू। वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, थोड़ी देर के बाद उसको एनर्जी मिलेगी तो वो रेस्पॉन्स देगा, धूप ले रहा है अभी फिलहाल। गाइस, ये वाला आँख जो है मेरा दर्द कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, और मतलब ऐसे जलन जैसी हो रही, तो बार बार उसको मसलना पड़ रहा है। तो मतलब कुछ हुआ है ना क्या, मुझे तो मालूम नहीं लग रहा है, ऐसे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है नहीं है, तो मैं मतलब ग्लासेस में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हस्बैंड आने से ही देखने के लिए बोलूँगी। तो मतलब उसे जलन हो रही है और थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं। मुझे तो पिछला साल ऐसे हुआ था, मतलब ऐसे आँख में जलन हो रहा था, तो 2 आँखों में ऐसे जलन हो रहा था, तो तब थोड़ी दिन के बाद मुझे बुखार आया, तो इसलिए बुखार के लिए मुझे ऐसा हो रहा ना था क्या, ऐसे लगा था। तो पता नहीं इस बार तो, इस साल तो ठंडी वाला बुखार मुझे आया नहीं, शायद पकड़ेगा ना क्या, ऐसे तो बॉडी भी अच्छी नहीं लग रही ठंडा के लिए। तो ये वाला आँख जो है पेन कर रहा है। आज मुझे ग्रोसरी सामान भी लाने के लिए जाना था बट टाइम नहीं मिला, हस्बैंड को कॉल आया था जल्दी ही, उनको काम पे जाना था, इसलिए मतलब खाने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिला, मतलब भागे भागे उनको मतलब काम पे जाना पड़ा। आधा रोटी खाए और चले गए, रोटी तो सफेद ने बना दी थी बट खा नहीं पाए, मतलब जल्दी वहाँ पे पहुँचना था काम पे इसीलिए। तो अभी तो आने से भी तो देरी हो जाएगा उनका, दोपहर में तो ऐसे दुकान वगैरह बंद हो जाती है, तो 4-5 बजे खुलेगी तो उस टाइम जा सकते हैं, लेकिन ठंडी तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगी, अभी तो एक्सट्रीमली ठंडा पड़ गया है इसलिए। तो देखेंगे हस्बैंड कितना टाइम में आते हैं और क्या बोलेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो भी तो दिन भर बाइक में घूमते रहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है ना हेल्थ के लिए ठंडी हवा।
तो आने से ही बोलूँगी क्या बोलेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में जैसे करके भी चले जाएंगे। अगर वो हाँ ठीक है जाएंगे बोलने से, शाम को चले जाएंगे ग्रोसरी सामान लेने के लिए। हेयर वॉश भी की थी तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। कल नॉन वेज खाए थे तो आज मतलब हेयर वॉश करना ज़रूरी था ना, और मंडे भी है व्रत रखती हूँ इसीलिए, तो और भी ज़्यादा मेरे को तो ठंडी लग रही है, इसलिए बाबू के साथ धूप लेने के लिए आए हैं। ऑलमोस्ट सूख गया मेरा हेयर। ड्राई मशीन चलाती हूँ लेकिन ऐसे डेली मतलब मैं तो 2-3 दिन में ऐसे हेयर वॉश करती रहती हूँ, तो मतलब वैसे 2-3 दिन में तो ऐसे बार बार मतलब हीट देना अच्छा नहीं है ना हेयर को, इसलिए इतना मैं अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, कभी कभी देती हूँ अगर कहीं बाहर वगैरह जाना हो तो। आज तो मैं मंदिर नहीं गई, घर में ही हूँ, इसलिए काम करते टाइम तो हेयर को तो बांध के रख दी थी, तो अभी तो मुझे हेयर खुला करके इधर में सुखाना पड़ रहा है, तो सूख गया है ऑलमोस्ट। और थोड़ी टाइम 10-15 मिनट करीब बैठती हूँ और जाऊँगी घर के अंदर, अभी जाना होगा मुझे। कपड़ा वॉश किया हुआ था मैंने तो उसको सुखा देती हूँ, ज़्यादा टाइम होने से भी नहीं सूख पाएगा ऐसे, तो मैं मशीन में ड्राई कर दूंगी तो जल्दी सूख जाएगा, आज ही सूख जाएगा ऐसे कर दूंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी जस्ट हस्बैंड आए लंच के लिए, तो मैं उनके लिए खाना गर्म कर दे रही हूँ, और मैं तो पूरा सो गई थी, अच्छी नहीं लगी थी थोड़ी ठंडी के लिए, इसलिए सो गई थी। अभी जस्ट उठी और उनके लिए खाना गर्म कर दे रही हूँ। हो गया क्या? खाली सब्जी खाएगा क्या? नहीं गरम की तो इसलिए तवा तो अच्छा नहीं है, खराब हो गया, चिपक जाता है। और नीचे वाला मत खाइए, ठंडा है, और ऊपर वाला को खाइए, इतना तो हो जाएगा ना, 3 पीस गरम कर दिया हूँ, हो जाएगी। नीचे वाला बिल्कुल खाइए, और बाद में मैं गरम करके नाइट में खा लूंगी, एक दो तो एक्स्ट्रा बन ही जाता है ना, बाबू खाएगा उठने से, वो भी तो खाता है ना। दुकान सब खुला है ना? बंद है। दुकान तो बंद है, चावल लाना था ना। हाँ हाँ, क्या करना है वही सोचना। दुकान तो बंद है लेकिन अभी तो दोपहर में तो ऐसे ही बंद रहती ना, 4-5 बजे के बाद ही खुलती है दुकान सब। ठीक है चल के देखते हैं कि कल जाएंगे। कल काम है क्या आपका? पता नहीं, सुबह होने बात करते हैं। ठीक है जाके आते हैं, नहीं तो पोपट हो जाएंगे, नहीं तो चावल तो मैंने है ना लाने के लिए। हाँ हाँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी हस्बैंड भी आ गए हैं काम से, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं और बाबू खा रहा है अपना मकाई। देखिए क्या कर रहा है मेरा कुतलू बेटा। कुतलू बेटा खाली खाना खाता रहता है ना बेटा। एक कुतलू बेटा क्या खा ले? वो मकाई खा रहे कुतलू बेटा। चला है क्या हमारे लिए जनो? कुछ चाहिए क्या? बिस्किट्स, भुजिया? भुजिया थोड़ा दे दीजिए। शाम का जो इवनिंग नाश्ता रहता है हम लोग ले लिया है, टी बनाई थी और सब्जी का उपमा बनाई थी, तो थोड़ा थोड़ा ले लिए हैं। मैं तो डे में कुछ नहीं खाई थी तो थोड़ा सिर में दर्द था, इसलिए टी खा ली थोड़ी सी, तो अभी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं बाबू के साथ थोड़ी मस्ती करूँगी, खेलूँगी उसके साथ, और फिर जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। कुतलू बेटा को क्या चाहिए हैं? कुतलू बेटा को क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? च्यों 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 खाली करते रहे तो। इधर देखो मम्मी बुला रही है। कुतलू बेटा ये खा लो थोड़ी सी, ये बोगली खा लो, बोगली खा लो। इतना सारा खाना कौन खाया है? जितना बड़ा बच्चा नहीं है उतना खाना खा रहा है कुतलू बच्चा। बोगली खा ला है, क्या खा ला है बच्चा? बोगली, बोगली खा ला है कुतलू बच्चा। गुड बॉय। कुतलू बेटा कम हियर, कम हियर, ये खा लो थोड़ी सी। खा लो, स्पून नहीं चावल खाना है, स्पून नहीं चावल खाना है,
गुड बॉय। ओ नो, एंगली बट गलम गलम खाना अच्छा लग रहा है बेटा। खाना खा के डू डू कर देना हाँ। ठंडी लगी है, बाहर ज्यादा नहीं घूमना है। और थोड़ी सी और थोड़ी सी, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, ऊपर वाला। इधर आओ इधर आओ, तुम खाओ मैं जा रहा हूँ। नीचे वाला नहीं ऊपर वाला खाओ। इचको 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 खाओ। गाइस अभी मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे तो टाइम नहीं हुआ है, बट जल्दी ही बना लूंगी आज, क्योंकि इतनी ठंडी में और कितना टाइम तक रुकूंगी, और फिर दिन में भी कुछ नहीं खाई थी, इसलिए जल्दी बना के खाना वाना खा के सो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं ठंडी में। तो फिर चलिए मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं अभी डिनर ले लेती हूँ, टाइम हो गया है 9:30। तो देखिए मैं क्या क्या बनाई हूँ आज डिनर में। ये बीन्स की भाजी है, और इधर है अरबी की सब्जी और चावल, और एक पापड़ ले रही हूँ। तो डिनर लेने के बाद वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।